एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। इतना विवाद हुआ कि एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, तस्वीरें भी आप देखिए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सुबह से ही लगातार जो भिंड क्षेत्र है वहां से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अब एक बार फिर से ये स्थिति देखने को मिली। और इस बीच दिमनी के मिर्घान गांव में भी विवाद की जानकारी मिल रही है। सुबह से ही हम बता रहे हैं कि मुरैना की ये सीटें, ग्वालियर चंबल संभाग की ये सीटें, जहां विवाद की खबरें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। दिमनी का मिर्घान गांव जहां विवाद हुआ, वोटिंग करके एक लौट रहे युवक को पीटा गया है। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन वोटिंग करके शख्स लौट रहा था जिससे कुछ लोगों ने पीट दिया, इसके साथ मारपीट की गई है। और इसके पहले भी दिमनी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां एडीएम साहब मौके पर पहुंच गए थे। गांव में हालातों को नियंत्रित किया जा रहा था, दो गुट आमने सामने हो गए। ये कहा गया कि जिसे वोट डालना है उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रशासन हालांकि मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन एक के बाद एक दिमनी से और मुरैना से इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी, लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आखिर हो क्या रहा है दिमनी मुरैना, यहां इन सीटों से एक के बाद एक विवाद की खबरें आ रही हैं। देखिए जया, दिमनी समान तौर पर इसका कभी विवाद का इतिहास नहीं रहा है, लेकिन आज सुबह जब एक छुटपुट पत्थरबाजी और इन घटनाओं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे माहौल बढ़ता गया। एक बार हम सुबह रिपोर्ट करके यहाँ से जा चुके थे कि दोबारा फिर से यहाँ पर पथराव की और इन चीजों की बात आई। पुलिस अधिकारी जरूर इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे पीछे जमावाड़ा देख सकते हैं कि यहाँ करीब करीब 50 से अधिक गाड़ियों का जमावाड़ा है। पुलिस अधीक्षक ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और ये महिला पुलिस अधिकारियों के साथ घर घर जाकर के सर्चिंग भी की जा रही है। और मैं अश्विनी से कहूंगा एक बार फिर से हमें सामने दिखाएं। अश्विनी, हमारे साथ यहाँ पर मुरैना के जो स्थानीय संवाददाता हैं प्रशांत है, वो भी जुड़ेंगे। अभी आप सर्चिंग करने वाली टीम के साथ थे, क्या पाया और क्या पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम ने क्या पाया और क्या समझाइश दी है? देखिए, जिस तरीके से दिमनी विधानसभा लगातार चुनाव में भी होड़शी बताई जा रही थी, प्रदेश भर में चर्चाओं में थी, लेकिन आज ठंड होने के बावजूद भी दिमनी विधानसभा के कई गांव में गर्मी बढ़ी हुई है। मिर्घान गांव में लगभग दो बार उपद्रव की घटना सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन हो चाहे कोई पुलिस हो, दोनों ही लोग इस बात से इंकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की मौजूदगी बताती है कि घटना यहाँ हुई है। मुरैना प्रशासन की तरफ से सीवी प्रसाद अपर कलेक्टर मौजूद है, एसपी कलैहा मौजूद है, अपर कलेक्टर मौजूद है। पुलिस बल लगातार मकानों की सर्चिंग कर रहा है, उपद्रवियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति तो मकानों में नहीं छुपा जो यहाँ लगातार उपद्रव करने की घटना अंजाम दे रहे हैं। अच्छा जया, एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि इसी बीच में मुरैना में यहाँ तनाव चल ही रहा था, इसी बीच जौरा विधानसभा क्षेत्र से भी मतदान करके लौट रहे लोगों के ऊपर पथराव और आपसी झड़प, दो समुदायों के बीच में, दो गुटों के बीच में आपसी झड़प की खबरें सामने आई हैं। और हम उस जगह पे बंसल न्यूज की टीम वहां भी पहुंचने का प्रयास कर रही है। हाँ। और शीघ्र ही हम आप लोगों को अपडेट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल ये तस्वीर आपने